हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड। आज के वीडियो में जो है मेडिसिन का पूरा रिवीजन कराने वाला हूं। तो फ्रेंड विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड जो पहला मैंने क्वेश्चन लिया है रिवीजन का वो लिया है नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन काउ। ठीक है, तो आपको जो है ग्लूकोज काउ के केस में मतलब बोवाइन के केस में लगभग कितना होता है तो फ्रेंड आपको याद रखना है, क्योंकि ये इस एनिमल में जो है कमी होता है 35 to 55 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है फ्रेंड, तो आपको नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज याद रखना 35 से 55 मिलीग्राम पर डी। इसके अलावा फ्रेंड और आप तैयारी कर लीजिए, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है 8 to 15 ग्राम पर डी। फ्रेंड ध्यान दीजिए, ग्राम पर डी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कैल्शियम का याद रखिए 8 to 12, फास्फोरस का 4 to 6, मैग्नीशियम कितना 2 to 3 मिलीग्राम पर डी। ठीक है, अब फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम कैसे, इसको फ्रेंड आप जो है मिलीग्राम परसेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर एक बात, नंबर एक क्या करिए आप जो है इसका डबल ए मतलब कि मैग्नीशियम का डबल फास्फोरस, फास्फोरस का डबल कैल्शियम, ऐसे याद रखिए। ठीक है, अब जैसे आप मैग्नीशियम का याद रख लीजिए 2 to 3 मिलीग्राम पर डी एल, फिर उसका डबल कर दीजिए फास्फोरस 4 to 6 मिलीग्राम पर डी एल, फिर उसका डबल 8 to 12 मिलीग्राम पर डी एल, मतलब एक का याद कर लीजिए, या तो कैल्शियम का याद कर लीजिए, आधा आधा करते जाइए। ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। अब फ्रेंड होता है, अब अगला कौन सा है, प्रोटीन। प्रोटीन कितना नॉर्मल लेवल होता है 5 to 5.7 to 8 ग्राम पर डी एल। ठीक है, ये फ्रेंड ग्राम पर डी एल याद रखिए, मिलीग्राम पर डी एल, ये ग्राम। प्रोटीन क्या है, ग्राम पर डी एल। जैसे हीमोग्लोबिन है 8 to 15, तो ऐसे ये भी 5.7 to 8 ग्राम पर डी एल। ठीक है, अब फ्रेंड आपको जो है चार जो है मेन इंपॉर्टेंट याद रखना, आयन का जो है 57 to 162 माइक्रोग्राम पर डी एल। ठीक है, कॉपर का कितना होता है 126 माइक्रोग्राम पर डी एल। कॉपर मतलब फ्रेंड ये प्लाज्मा में ही है। ठीक है सब, जिंक में 80 to 120 माइक्रोग्राम पर डी एल। विटामिन ए का देखिए 50 माइक्रोग्राम पर डी एल। ठीक है, आपको याद रखना है। अब फ्रेंड दो जो है इलेक्ट्रोलाइट का याद कर लीजिए, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम का कितना 132 to 152 मिली इक्विलेंट पर लीटर, पोटेशियम कितना 3.6 to 4.9 मिली इक्विलेंट पर लीटर। अब फ्रेंड इसको जो है मिली मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मिली इक्विलेंट पर लीटर इक्वल टू 1 मिली मोल पर लीटर। ठीक है, तो सेम ही यूनिट होता है, जैसे इसका मिलीग्राम परसेंट बोल सकते हो, ऐसे इसको मिली इक्विलेंट पर लीटर को मिली मोल पर लीटर बोल सकते हो। ओके फ्रेंड, तो पहला क्वेश्चन हो गया नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज याद रखिए 35 से 55 मिलीग्राम पर डी एल। अब फ्रेंड आपको याद रखना है बायोट्स रिस्पायरेशन का आपको एग्जांपल बताना है, किसमें होता है बायोट्स रिस्पायरेशन, बायोट्स टाइप का रिस्पायरेशन, तब आपको फ्रेंड याद रखना मेनिनजाइटिस के केस में, मेनिनजाइटिस। तो फ्रेंड ये कौन सा हो गया, बायोट्स रिस्पायरेशन। इसके अलावा भी फ्रेंड होता है चाइन स्ट्रोक। ठीक है, और कौन सा होता है सिनकोप, और कौन सा होता है अगला रिस्पायरेशन वो होता है, ठीक है, कौन सा, कॉसमॉल, KUSSMAUL। ठीक है, अब फ्रेंड इसका भी एग्जांपल लेके याद रखिए, चाइन स्ट्रोक का जो एग्जांपल होता है CKF, क्रोनिक किडनी फेलियर के केस में जो रिस्पायरेशन होता है, कोई भी क्रोनिक किडनी डिजीज हो, ठीक है, तो चाइन स्ट्रोक टाइप होता है। सिनकोप क्या होता है, अगर जो है CO2 की लेवल जो बढ़ जाता है अगर ब्लड सर्कुलेशन में, तो इस टाइप का रिस्पायरेशन होता है सिनकोप टाइप का। कॉसमॉल किस में होता है फ्रेंड, आपको याद रखना है कॉसमॉल को फ्रेंड जो है एयर हंगर भी बोलते हैं, एयर हंगर रिस्पायरेशन। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये किस में होता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ओके, आपको याद रखना कॉसमॉल किस में होता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड मैंने लिया है पल्स रिकॉर्डिंग साइट ऑफ बोवाइन, बोवाइन में पल्स रिकॉर्डिंग कहाँ से करेंगे। ठीक है, आपको पल्स रिकॉर्डिंग मतलब पल्स चेक करना है बोवाइन के केस में, तो आपको कहाँ से चेक करना है, तो आपको सबको अधिकतर लोगों को पता होगा मिडिल कोक्सीजियल आर्टरी। ठीक है, मिडिल कोक्सीजियल आर्टरी से बोवाइन का पल्स रिकॉर्डिंग चेक किया जाता है। अब बात करते हैं सीप, गोट, डॉग एंड कैट किससे नापते हैं, फिमोरल आर्टरी से जो है पल्स मापते हैं। ठीक है, फिमोरल आर्टरी। अब फ्रेंड बात करते हैं पिग, अगर पिग स्मॉल है तो फिमोरल आर्टरी से नाप लो। ठीक है, लेकिन अगर फ्रेंड लार्ज है तो आप जो है कोक्सीजियल आर्टरी से भी नाप कर, क्योंकि उसकी पूंछ बड़ी हो जाती है, तो मिडिल कोक्सीजियल आर्टरी।
तो वहाँ से नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पल्स रिकॉर्डिंग साइट इन बोइन। बोइन में कहाँ से होता है? मिडिल कोक्सीजियल आर्टरी। अब फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फ्लेमेटरी इडमा। ठीक है, इडमा का मतलब कि नॉन इन्फ्लेमेटरी कहाँ कहाँ होता है? अगर कार्डियक है, ठीक है, अगर कार्डियल है, पल्मोनरी है, ठीक है, कार्डियक टाइप का हुआ और पल्मोनरी में हुआ, ठीक है, इन सब जो है सब नॉन इन्फ्लेमेटरी एडमा होते हैं। ठीक है, जैसे कार्डियक हुआ, पल्मोनरी हुआ, हार्ट का हुआ, ठीक है, ये सब। अब फ्रेंड अब इसमें एक से क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन को कई क्वेश्चन बनाना है। अब पूछा जाए अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी की जगह इन्फ्लेमेटरी, तो इन्फ्लेमेटरी फ्रेंड कहाँ किस तरह का हो सकता है? इन्फ्लेमेटरी में जो है आपको याद रखना है बॉयल्स, ठीक है, जो भी बॉयल्स हो गया तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ एडमा होता है। इसके बाद कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया, या तो कोई केमिकल इरिटेशन हो रहा है स्किन में, ठीक है, केमिकल इरिटेशन, तो वहाँ भी इन्फ्लेमेटरी टाइप का एडमा होता है। अब फ्रेंड जो अगला मैंने क्वेश्चन लिया है, पॉल टेस्ट, जो पॉल टेस्ट जो है ये किसके लिए किया जाता है? ठीक है, आपको याद रखना पॉल टेस्ट। तो पॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है फ्रेंड? आपको याद रखना है ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस। ठीक है, ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस में क्या किया जाता है? पॉल टेस्ट किया जाता है। अब फ्रेंड इसके अलावा भी कुछ टेस्ट याद रख लीजिए, पांडे एंड एपेल टेस्ट, ये किसमें किया जाता है फ्रेंड? प्रोटीन मेजर करने के लिए, किसमें? CSF के केस, ठीक है, CSF में अगर प्रोटीन मेजर करना है कितना है तो पांडे और एपेल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके लिए सेलोज डाइजेशन टेस्ट किसके लिए होता है? सिंपल इंडाइजेशन, ठीक है, सिंपल इंडाइजेशन में सेलोज इंडाइजेशन टेस्ट किया जाता है। अब फ्रेंड आ जाइए लिप्टेक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेसम, ठीक है, लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेसम में कौन सा? लिप्टेक टेस्ट किया जाता है। अब फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है, टाइप ऑफ पैरालिसिस, ठीक है, ओरिजिनेटेड एट स्पाइनल कार्ड से कौन सा जो है किस टाइप का पैरालिसिस होता है? तो आपको याद रखना फ्लैसिड टाइप का, ठीक है, कौन सा? फ्लैसिड, ठीक है। अगर फ्रेंड आपसे CNS का पूछ लिया जाए तो CNS में फ्रेंड दोनों होता है, फ्लैसिड टाइप का और स्पास्टिक टाइप का, ठीक है, दोनों टाइप का। अगर आपसे ब्रेन में पूछ लिया जाए तो ब्रेन का जो होता है वो होता है स्पास्टिक टाइप का, ठीक है, और आपसे जो है स्पाइनल कार्ड का तो मैंने बता दिया फ्लैसिड। और अगर आपसे लेग में पूछा जाए तो लेग में जो है पेरिफेरल टाइप का जो है पैरालिसिस होता है, ठीक है, लेग, ब्रेन एंड CNS। तो स्पाइनल कार्ड किससे संबंधित है? फ्लैसिड, ठीक है, CNS में होता है तो दोनों फ्लैसिड और स्पास्टिक टाइप का पैरालिसिस होता है, ठीक है, ब्रेन में स्पास्टिक एंड लेग में पेरिफेरल, ओके। अब फ्रेंड जो अगला मैंने क्वेश्चन लिया, टाइप ऑफ स्टोमेटाइटिस इन रिंडरपेस्ट में जो है स्टोमेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ कैविटी, ठीक है, तो किस तरह का जो है स्टोमेटाइटिस होता है रिंडरपेस्ट? तो फ्रेंड आपको याद रखना है कौन से टाइप का? नेक्रोटिक टाइप का, ठीक है, नेक्रोटिक टाइप का जो है स्टोमेटाइटिस होता है किसमें? रिंडरपेस्ट। फ्रेंड आपको FMD के केस में याद रखना है, FMD में कौन सा होता है? वेसिकुलर, ठीक है, वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है। अगर फ्रेंड आपसे पूछा जाए क्लोव डिजीज में कैसा होता है? एलर्जिक स्टोमेटाइटिस, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है वो है इंस्पायरेटरी डिस्निया कैरेक्टराइज बाई, इंस्पायरेटरी डिस्निया किसकी वजह से होता है फ्रेंड? तो आपको क्या करेक्टर इसका बताना है इंस्पायरेटरी डिस्निया, तो इसमें क्या होता है? ओपन माउथ ब्रीथिंग होता है, ओपन माउथ, ठीक है, ओपन माउथ ब्रीदिंग, और इसके अलावा फ्रेंड क्या होता है? टंग जो है वो बाहर निकल आता है, टंग प्रोट्रूड, ठीक है। और ये फ्रेंड किसकी वजह से होता है? जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है उसमें कंजेशन की वजह से होता है, ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कंजेशन की वजह से होता है, ठीक है, इंस्पायरेटरी डिस्निया, ठीक है, आपको याद रखना ओपन माउथ ब्रीदिंग, इसमें ट्रंक बाहर निकल आता है और URT, ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कंजेशन की वजह से होता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो है अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या तो कंजेशन हो जाए तो उसकी वजह से इंस्पायरेटरी डिस्निया होता है। अब फ्रेंड आपको बताता हूँ, जो इंस्पायरेटरी डिस्निया तो मैंने बता दिया, अब बताता हूँ एक्सपायरेटरी डिस्निया किसके होता है, ठीक है, एक्सपायरेटरी डिस्निया, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये किस लिए होता है, इसमें क्या होता है? लॉस
ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल पावर ऑफ एलोलाई, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल पावर ऑफ एलोलाई, ठीक है, ठीक है। एक्सपायरी डिसने किसे होता है, लॉस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल पावर ऑफ एलोलाई, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड यहाँ रख लिया हीव्स इन हॉर्स, ठीक है, हीव्स इन हॉर्स क्या होता है, एक्सपायरेटेड डिस्निया होता है, तो आपको याद रखना है। एक होता है इंस्पायरेटेड डिस्निया, इंस्पायरेटेड डिस्निया कब होता है, कब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या तो कंजेशन हो जाए, ठीक है। लेकिन जो है एक्सपायरेटरी डिस्निया में फ्रेंड क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल पावर ऑफ एलोलाई, तो उसकी वजह से एक्सपायरेटरी डिस्निया होती है, ओके। अब फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है, आर्गन आल्सो इन्वॉल्व इन लेफ्ट कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ठीक है, लेफ्ट कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, लेफ्ट कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में और कौन सा आर्गन, मतलब कि हार्ट तो रहेगा ही, इसके साथ जो है और कौन सा आर्गन इन्वॉल्व हो जाता है, लंग, ठीक है, आपको याद रखना है। फ्रेंड अगर पूछा जाए लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में कौन सा, लेफ्ट में होता है लंग्स, ठीक है। अगर राइट कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हुआ तो राइट, तो आपको याद रखना है लीवर, ओके फ्रेंड, तो ये हो गया। अब फ्रेंड आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन जो है, सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जन इन एपिलेप्सी, ठीक है। एपिलेप्सी जो है फ्रेंड क्या होता है, ये इसका सीक्वेंस आपको बताना है, ठीक है। कन्वर्जन का एक टाइप होता है, कन्वर्जन में का एक टाइप एपिलेप्सी होता है, ठीक है, तो आपको बताना है उसका सीक्वेंस कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लोनिक, ठीक है, उसके पहले क्या, उसके बाद क्या होता है, टोनिक, फिर उसके बाद क्या होता है, टोनोक्लोनिक, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड आपको बता देता हूँ, टोनोक्लोनिक कन्वर्जन ही जो है एपिलेप्सी होता है, ठीक है, एपिलेप्सी। अगर एपिलेप्सी पूछा जाए तो टोनोक्लोनिक कन्वर्जन, और टोनिक कन्वर्जन फ्रेंड किस में होता है, आपको याद रखना है, टोनिक टी फॉर टिटैनस, टिटैनस के केस में टोनिक कन्वर्जन होता है। और फ्रेंड अगर क्लोनिक का एग्जांपल पूछ ले जाए, क्लोनिक मतलब कि कन्वर्जन किस में होता है, तो आपको याद रहना चाहिए स्ट्राइचनिन, ठीक है, स्ट्राइचनिन पॉइजनिंग में जो है क्लोनिक टाइप का कन्वर्जन होता है। अब फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन है वो है डॉग सिटिंग पोस्चर, ठीक है, हॉर्स में जो है डॉग सिटिंग पोस्चर किस में होता है, किस डिजीज में होता है, तो आपको याद रखना है कौन सा, एजोट्यूरिया, एजोट्यूरिया या मायोग्लोबिनुरिया, ठीक है, तो या तो इसी को मंडे मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, ओके फ्रेंड। तो एजोट्यूरिया हो गया डॉग सिटिंग पोस्चर में। फ्रेंड इसके अलावा जो है अगर आर्थोटोनस पोस्चर पूछ लिया जाए तो किस में होता है, आर्थोटोनस जो है कंडीशन होता है बुआइंड के केस में, ठीक है, तो होता है मिल्क फीवर में, मिल्क फीवर में कौन सा होता है, आर्थोटोनस। और फ्रॉग लाइक पोस्चर किस में होता है अगर एनिमल में, तो आपको फ्रेंड याद रखना है बायलेटरल हिप डिस्प्लासिया, ठीक है, अगर फ्रॉग लाइक पोस्चर है कौन सा, बायलेटरल हिप डिस्प्लासिया, ओके। अब फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइट काउंट पूछ रहे हैं, मतलब ल्यूकोसाइट काउंट जो है नॉर्मल मिल्क में कितना होता है, ठीक है, आपको अब इसमें तीन क्वेश्चन बनाएंगे, नॉर्मल मिल्क में कितना होता है, अगर मान लो उसको जो है सब क्लिनिकल मस्टाइटिस है तब कितना होता है, और अगर क्लिनिकल मस्टाइटिस होता है तब ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ल्यूकोसाइट काउंट अब सबसे पहले नॉर्मल मिल्क में जान लीजिए, नॉर्मल मिल्क में फ्रेंड होता है 2.5 लाख पर, ठीक है, 2.5 लाख पर ml मिल्क में जो है, ठीक है, अगर नॉर्मल मिल्क है तो उसमें जो है 2.5 लाख पर ml, ठीक है, इतना जो है ल्यूकोसाइट काउंट होता है। अब फ्रेंड आपको बताता हूँ, अगर मान लो उसको जो है क्लिनिकल मस्टाइटिस है, ठीक है, क्लिनिकल मस्टाइटिस एनिमल को है, उसके मिल्क में कितना काउंट होना चाहिए, ठीक है, उसके मिल्क में काउंट होता है 30 लाख या मोर, इससे ज़्यादा अगर काउंट दिखा 30 लाख और मोर, ठीक है, तो क्लिनिकल मस्टाइटिस होता है, 30 लाख या मोर ल्यूकोसाइट पर ml ऑफ मिल्क, ठीक है, आपको याद रखना है क्लिनिकल। और अगर फ्रेंड सब क्लिनिकल तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं सही कितना है, 2.5, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और क्लिनिकल में 30 लाख, तो मतलब कि आपको याद रखना है 2.5 से लेके अगर 30 लाख के बीच में है ल्यूकोसाइट काउंट पर ml ऑफ मिल्क, तो सब क्लिनिकल कंडीशन हो गई, ओके, सब क्लिनिकल मस्टाइटिस।
अब फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें लिया है ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मिडिल ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। ठीक है, मिडिल ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन कौन कॉज करता है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो कौन होता है? कैम्पाइलो बैक्टीरिया। ठीक है, कैम्पाइलो बैक्टीरिया। ठीक है, कैम्पाइलो बैक्टीरिया से जो एबॉर्शन होता है वो कौन सा होता है? मिडिल ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, अब फ्रेंड आप जो है थोड़ा सा याद लीजिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा करता है और लास्ट वाले में कौन सा करता है। ठीक है, फर्स्ट वाले में कौन सा करता है आपको याद होना चाहिए, ट्राइकोमोनास फिटस। ठीक है, और लास्ट वाले में कौन सा होता है, जैसे ब्रुसेला हुआ, लिस्टेरिया हुआ, ठीक है, ट्रिपोनोसोमा हुआ, तो ये सब जो है लास्ट वाले में करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया है, डोज ऑफ टीटी। टीटी मतलब क्या होता है? टिटेनस टॉक्सॉइड इन ऑल एनिमल। तो फ्रेंड आप याद रखिए डोज कितना होता है, 0.5 ml। ठीक है, 0.5 ml से लेके 2 ml तक। ठीक है, लार्ज एनिमल में दे सकते हैं 0.5 to 2 ml। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया टिटेनस टॉक्सॉइड। ठीक है, जो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। अगर आपको पैसिव इम्यूनिटी देनी है तो अगर सब समझ लीजिए प्रोफाइलेक्टली यूज करना है, अगर सीरम का यूज करना है। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी में सीरम का। ठीक है, तो अगर सीरम यूज कर रहा है मतलब कि टिटेनस एंटीटॉक्सिन सीरम। ठीक है, टिटेनस एंटीटॉक्सिन सीरम। ठीक है, स्पेशली टिटेनस के लिए सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल एनिमल कौन सा है? हॉर्स। तो हॉर्स में हम बात करेंगे, तो हॉर्स के केस में अगर प्रोफाइलेक्सिस दे रहे हैं, ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस, तो उसको याद रखिए फ्रेंड 1500 to 3000। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट इसको जो है सबकट या आईएम दे दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड कितना याद रखना है, 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, अब अगर फ्रेंड मतलब कि ट्रीटमेंट के केस में अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कितना देना है, मतलब थेरेपेटिक डोज ट्रीटमेंट में, तो फ्रेंड आपको याद रखना है 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट। ओके, तो ये हो गया। अब फ्रेंड बात करते हैं स्टेजेज ऑफ पॉक्स लेजन। ठीक है, पॉक्स लेजन फ्रेंड डायरेक्ट जो है डेवलप नहीं होता, इसके स्टेजेज होते हैं। ठीक है, तो कौन सा याद रखना है आपको, सबसे पहले क्या होता है, इरिथिमा, फिर इसके बाद क्या होता है, पाइप्यूल्स, फिर इसके बाद क्या होता है, वेसाइकिल। ठीक है, वेसाइकिल डेवलप होता है, फिर पुस्यूल, फिर ब्लिस्टर। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना सबसे पहले क्या होता है, इरिथिमा, पाइप्यूल्स एंड वेसिकल, मतलब इसको ईपीवी से याद रख लो। ठीक है, क्या होता है, इरिथिमा, पाइप्यूल्स एंड वेसिकल, फिर इसके बाद क्या होता है, पुस्यूल, फिर ब्लिस्टर। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कैटल के केस में जो है वेसिकल एंड पुस्यूल ए एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट वेसिकल और पुस्यूल। और अगर स्वाइन के केस में पूछा जाए तो फ्रेंड स्वाइन के केस में जो है सिर्फ पुस्यूल जो है ये स्टेज एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब फ्रेंड कभी कभी क्वेश्चन आता है बिनाइन और मैलिग्नेंट टाइप का जो है पॉक्स किस में होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैमल में। ठीक है, कैमल एंड सिप, इसमें जो है बिनाइन टाइप का, बिनाइन और मैलिग्नेंट टाइप का पॉक्स होता है। ठीक है, अब फ्रेंड बात करते हैं ब्रुसेला के लिए कौन सा, मतलब ब्रुसेलोसिस के लिए कौन सा वैक्सीन है। तो आपको फ्रेंड दो वैक्सीन का नाम याद रखना है, कौन सा, किल्ड 4520 वैक्सीन। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, काफ फूड वैक्सीन, काफ फूड वैक्सीन लाइव स्ट्रेन 19। ठीक है, आपको ये जो है दो वैक्सीन याद रखना है, किल्ड 4520 वैक्सीन और काफ फूड वैक्सीन लाइव स्ट्रेन 19। ठीक है, अब फ्रेंड आपको बताना है कीटोन बॉडी लेवल इन यूरिन। तो ठीक है, यूरिन में फ्रेंड जो नॉर्मली अगर यूरिन है तो उसमें नहीं होता है, लेकिन अगर कीटोसिस के केस में पूछा जाए तो आपको याद रखना कितना होता है यूरिन में फ्रेंड, 500 to 1000। ठीक है, 5000 to 1000 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ यूरिन। ठीक है, आपको याद रखना कीटोन बॉडीज लेवल इन यूरिन 500 to 1000 मिलीग्राम पर 100 ml। और अगर फ्रेंड आपसे मिल्क में पूछ लिया जाए तो मिल्क में नॉर्मली तो होता नहीं, लेकिन कीटोसिस के केस में कितना पहुंच जाता है, 40 मिलीग्राम पर 100 ml।
ठीक है, इस तरह से याद रखो। अब फ्रेंड बताते हैं ब्लड में, ठीक है, ब्लड में नॉर्मल तो कीटोन लेवल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लेकिन ब्लड में नॉर्मली कितना होता है, स्पेशली जो है कौन सा, BHBA, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटरेट, ठीक है, तो इसके बारे में बता। तो फ्रेंड अगर ब्लड में देखेंगे, अगर नॉर्मली जो रहता है तो 8 मिलीग्राम रहता है, ठीक है, 8 मिलीग्राम पर 100 ml। लेकिन फ्रेंड अगर यही कीटोसिस हो जाता है, ठीक है, 30 मिलीग्राम पर 100 ml पहुंच जाता है, ठीक है, ये ब्लड के केस में BHBA का बता रहा हूँ, ओके। अब फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है, टाइप ऑफ एनीमिया बताना है, किसकी वजह से, कोबाल्ट और फोलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से, ठीक है, कोबाल्ट और फोलिक एसिड डिफिशियंसी की जो है, इसकी वजह से जो है कौन सा होता है एनीमिया, आपको याद रखना है फ्रेंड, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है, एनीमिया ड्यू टू द कोबाल्ट और फोलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से, आपको याद रखना, ठीक है, कोबाल्ट और फोलिक एसिड से कौन सा होता है, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। अब फ्रेंड इसके अलावा भी जान लीजिए, जैसे कॉपर और आयरन की डिफिशियंसी, ठीक है, कॉपर और आयरन की डिफिशियंसी क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, ठीक है, इस तरह का जो है एनीमिया होता है। तो फ्रेंड इसके केस में बबेसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, स्वीट क्लोयर, तो आपको याद रखना माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। एंड अगला जो क्वेश्चन है, मतलब अगर पूछ लिया जाए ब्रैकेनफर्न और रेडिएशन, मान लो रेडिएशन इंजरी के थ्रू जो है अगर एनीमिया होता है तो उसमें कौन सा होता है, तो इसमें नॉर्मल ही रहता है, ठीक है, तो नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है, ये याद रखना, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। अब फ्रेंड अगर हिमोंकस के केस में पूछ लिया जाए, हिमोंकस समझते हैं फ्रेंड, हिमोंकस कंटोटस स्टमक वर्म, ठीक है, ये क्या करता है, एक दिन में जो है 0.05 ml ब्लड जो है वो चूस लेता है, ठीक है, हिमोंकस कंटोटस, और नेफ्राइटिस के केस में, लेकिन इसमें भी एनीमिया होता है, तो इसमें कौन सा होता है, माइक्रोसाइटिक, ठीक है, नॉर्मोक्रोमिक, तो इस तरह से फ्रेंड आप याद रखिए। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कोबाल्ट और फोलिक एसिड डिफिशियंसी पूछा जाए तो माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, कॉपर और आयरन पूछा जाए तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, बबेसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, इन सब में जो है माइक्रोसाइटिक रहता है लेकिन हाइपोक्रोमिक हो जाता है, ठीक है, ब्रैकेनफर्न और रेडिएशन, इन सब में जो है रेडिएशन एनर्जी में जो रेडिएशन अगर इंजरी होती है तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, और हिमोंकस और नेफ्राइटिस केस में माइक्रोसाइटिक और नॉर्मोसाइटिक, ओके। फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया है, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम कॉजिंग मस्टाइटिस, ठीक है, मस्टाइटिस में कौन सा करता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है माइकोबैक्टीरियम लैक्टिकोला, ठीक है, लैक्टिकोला, ये सिंपल सा आपको याद रखना है, ओके फ्रेंड। अब फ्रेंड बताते हैं अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ रेटिकुलो रूमिनल मोटेलिटी, ठीक है, इसके बारे में बताना है, ठीक है, रेटिकुलो रूमिनो मोटेलिटी जो होती है, मतलब रूमन मोटेलिटी होती है जो, वो कितना, उसका रेट कितना है, तो फ्रेंड आपको याद रखना है 3 mortality, ठीक है, 3 mortality in 2 minutes, तो फ्रेंड अगर मोटेलिटी देखेंगे तो इसमें जो है एक होता है प्राइमरी साइकिल, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी साइकिल, ठीक है, जो प्राइमरी साइकिल होता है एवरी मिनट रहता है, एवरी मिनट में एक बार चलता है, ठीक है, कि जो सेकेंडरी साइकिल रहता है एवरी टू मिनट में होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है र्यूमेन भी इंक्लूड रहता है, र्यूमेन भी काम करता है और रेटिकुलम भी रहता है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड इसमें सिर्फ और सिर्फ र्यूमेन, ठीक है, र्यूमेन मोटेलिटी रहती है, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड आप इसे समझ पाएंगे कि अगर मान लो 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट में क्या होगा, 2 primary cycle होता है और 1 secondary cycle होता है, ठीक है, तो 2 मिनट में क्या होता है, 2 primary cycle रहता है और 1 secondary cycle रहता है, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अब फ्रेंड अगला क्वेश्चन जो बात करते हैं, बैक्टीरियल काउंट बताना है रूमिनल फ्लूइड में, तो फ्रेंड आपको याद रखना है 10^6 से लेके 10^11 सेल
पर ml ऑफ रूमिनल फ्लूड, ठीक है, 10^6 to 10^11। इसके अलावा फ्रेंड आप याद रख लीजिए प्रोटोजोआ में जो है 10^4 to 10^6 सेल पर ml रहते हैं, फंजाई में जो है 10^3 to 10^4 सेल पर ml, और बैक्टीरियोफेज का अगर पूछा जाए 10^8 to 10^9 सेल पर ml ऑफ रूमिनल फ्लूड, ठीक है। अब फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है पीएच ऑफ रूमिनल कंटेंट, ठीक है, तो आपको पीएच हमेशा याद रखना फ्रेंड, रूमिनल कंटेंट कितना होता है नॉर्मली 6.5 to 7, ठीक है, ये इसका पीएच होता है। अगर टेम्परेचर पूछ लिया जाए तो 39 to 40 degrees Celsius, ठीक है, ये उसका टेम्परेचर रहता है। अब फ्रेंड अगर देखो ये तो पीएच मैंने बता दिया, अब पूछा कभी कभी पूछा था सिंपल इंडाइजेशन में जो है कितना पीएच रहता है, ठीक है, सिंपल इंडाइजेशन या एसिडिक या एल्कलाइन, मतलब या तो एसिडिक इंडाइजेशन, ठीक है, एसिडिक इंडाइजेशन में कितना होता है, इसके अलावा जो है एल्कलाइन में भी पूछ सकता है, ठीक है, एल्कलाइन इंडाइजेशन में भी जो है कितना होता है पीएच, ठीक। सिंपल इंडाइजेशन में फ्रेंड याद रखना है आपको 5.6 से लेके 7.4, ठीक है, अगर इसके बीच में पीएच है तो सिंपल इंडाइजेशन। एसिडिक में क्या होता है 4 से लेके 5.5, ठीक है, क्योंकि 5.6 से आपका सिंपल शुरू हो जाता है, इसलिए 4 to 5.5। एल्कलाइन में फ्रेंड क्या होता है 7.5 से लेके 8.5, ठीक है, ये इसका पीएच होता है, तो इसको आप रट लीजिए, ठीक है। एसिडिक में कितना 4 to 5.5, एल्कलाइन में 7.5 to 8.5, ओके। अगला जो क्वेश्चन है फेरिंजियल पैरालिसिस का आपको एग्जांपल बताना, फेरेंजियल पैरालिसिस किस में हो जाता है, तो फ्रेंड आपको याद रखना है रेबीज के केस में एक फेरेंजियल पैरालिसिस होता है और एक बॉटुलिज्म यानी फूड पॉइजनिंग जो होता है उसमें रेबीज होता है, बॉटुलिज्म को लिम्बर्निक डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें याद रखना है। अब फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन याद रखना है जेब्रा मार्किंग या टाइगर स्ट्रिपिंग इन सिकम किस डिजीज में होता है, तो फ्रेंड बहुत ही कन्फ्यूजन, अगर सिकम पूछे जेब्रा मार्किंग और टाइगर स्ट्रिपिंग, ठीक है, अगर सिकम में पूछे तो आपको याद रखना है रिंडरपेस्ट आपको याद रखना है। अगर फ्रेंड रेक्टम में पूछ लिया जाए, रेक्टम में जो है स्ट्रिपिंग या तो जेब्रा मार्किंग, तो आपको जो है पीपीआर याद रखना है, ठीक है, पेस्टी डेस्पेटाइटिस इन रूमिनेंट, ठीक है, तो रेक्टम में अगर होता है तो पीपीआर, सिकम में होता है तो रेंडर पेस्ट। और ये फ्रेंड जो है जेब्रा मार्किंग होता क्यों है आपको याद रखना है, इरिथमा कंजेशन एलॉन्ग विथ फोल्ड, ठीक है, इसकी वजह से जो है जेब्रा मार्किंग होता है, किसकी वजह से, इरिथमा कंजेशन एलॉन्ग विथ फोल्डिंग, ठीक है, तो याद रखना सिकम रेंडर पेस्ट रेक्टम पीपीआर, ओके। अब फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो लिया है टेस्ट रिलेटेड टू बेस्टिलिटी, ठीक है, बेस्टिलिटी फ्रेंड आपको पता ही है इंटरकार्नल इंटरकोर्स, ठीक है, बेस्टिलिटी के लिए पनिशमेंट किस आईपीसी में दिया जाता है 377, ये भी याद रखना है। और दूसरी बात टेस्ट कौन सा यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है बारबेरियो टेस्ट और फ्लोरेंस टेस्ट, ठीक है। अब फ्रेंड थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ, जो बारबेरियो टेस्ट होता है इसमें जो है अगर इसका टेस्ट करते हैं रिजल्ट पता कैसे आता है, येलो नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, नीडल लाइक, क्योंकि स्पेशली जो है स्पर्म के लिए एक टेस्ट किया जाता है, अगर बेस्टिलिटी में स्पर्म कुछ सस्पेक्टेड है तो येलो नीडल लाइक वो होता है, ठीक है, येलो कलर नीडल लाइक। फ्लोरेंस टेस्ट में क्या होता है फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है स्पर्म मिलता ही नहीं है, सिर्फ उसके फ्लूड मिलते हैं, तो जो कोई भी टेस्टिकल अगर मतलब कि टेस्टिस का फ्लूड रहे, इपीडाइडमिस का रहे, ठीक है, इपीडाइडमिस का कोई फ्लूड का पार्ट रहे, या तो जो है सेमाइनल वेसाइकिल का रहे, ठीक है, इन सब जो है का पता लगाता है कौन, फ्लोरेंस टेस्ट, ठीक है। अगर मान लो स्पर्म नहीं है तो लेकिन टेस्टिस का सिक्रीशन तो होगा, इपीडाइडमिस तो होगा, सेमाइनल वेसाइकिल का सिक्रीशन होगा, तो इन सब का पता लगाया जाता है, ठीक है, फ्लोरेंस टेस्ट में। लेकिन फ्रेंड ये फ्लोरेंस टेस्ट जो है अगर नहीं कर पाता है किसका, कौन से सिक्रीशंस का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है फ्लोरेंस टेस्ट, ठीक है। अब फ्रेंड बताते हैं कॉज ऑफ डेथ इन स्ट्राइचनिंग पॉइजनिंग, ठीक है, स्ट्राइचनिंग पॉइजनिंग में काज ऑफ डेस्ट क्या होता है, एस्फाग्जिया, ठीक है, एस्फाग्जिया,
ठीक है। अगर फ्रेंड आपसे पूछा जाए कि जो है काज ऑफ डेथ इन द ड्राउनिंग केस, ठीक है, ड्राउनिंग केस मतलब डूब के जो मरते हैं उनमें काज ऑफ डेथ क्या होता है, तो उसमें भी जो है एस्फाइक्जिया होता है। इसके अलावा जो है फेटल इंजरी, मतलब वो तड़पने के लिए उसको इंजरी लग सकती है, तो फेटल इंजरी भी होता है, ठीक है। अगर जो है एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, तो किसकी वजह से वो मरेगा, वो मरेगा फ्रेंड जो है डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। एचएस के केस में किसकी वजह से मौत होती है, तो आपको याद रखना है हाइपोक्सिया प्लस टॉक्सीमिया, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना, हाइपोक्सिया एंड टॉक्सीमिया। अब फ्रेंड अगला जो है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, मतलब आपको ज्वाइंटिस बताना है, प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक एंड हिपैटिक, तो इसमें से जो है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन किस में मिलता है, तो आपको याद रखना है प्री हिपैटिक, प्री हिपैटिक में अनकंजुगेटेड रहता है, ठीक है, जबकि पोस्ट में क्या होता है कंजुगेटेड, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड और भी आप ध्यान रखिए वंडरबर्ग रिएक्शन, ठीक है, वंडरबर्ग रिएक्शन, ठीक है, वंडरबर्ग रिएक्शन, तो अगर ये पूछा जाए, ठीक है, तो प्री में कैसा होता है और पोस्ट में कैसा होता है, ठीक है, प्री हिपैटिक एंड पोस्ट, प्री में कैसा होता है इनडायरेक्ट, ठीक है, हिपैटिक में, पोस्ट में कैसा होता है डायरेक्ट, हिपैटिक में क्या होता है बाइफेजिक, ओके। वंडरबर्ग रिएक्शन भी याद रखिए फ्रेंड, प्री हिपैटिक केस में इनडायरेक्ट, पोस्ट में डायरेक्ट, हिपैटिक में बाइफेजिक। इसके अलावा फ्रेंड और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है पोस्ट हिपैटिक के केस में जो फिशेस का कलर क्या रहता है, ठीक है, फिशेस कलर इन पोस्ट हिपैटिक, ठीक है, पोस्ट हिपैटिक में जो है क्ले और सॉइल इन कलर, ठीक है, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, क्ले और सॉइल इन कलर होता है, तो फिशेस कलर इन पोस्ट हिपैटिक। हो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसमें मैंने जो है पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश किया है। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।